हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया वॉक। गाइज, आज मैं आ गया हूँ खाटू श्याम जी के मंदिर में, और ये राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। और गाइज, ये भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक मंदिर है, और कहा जाता है कि यहाँ पर अपनी लोग मन्नत मांगने आते हैं, और यहाँ पर मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है। तो आज हम आपको इसके पूरे दर्शन कराएंगे, आप मेरे साथ साथ श्याम जी के दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, और उसके बाद आपको श्याम जी के दर्शन करवाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। ये एंट्रेंस गेट है श्याम जी के, और हम आगे जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, और सभी के हाथों में अपने अपने झंडे लिए हुए हैं, जो यहाँ श्याम जी की पहचान है इन झंडों से की जाती है। और ये एंट्रेंस गेट है, देख सकते हो आप। मूल मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान ने करवाया था, जब उसकी पत्नी नर्मदा कंवर ने दबी हुई मूर्ति के बारे में सपना देखा था, जिसमें देवता ने उन्हें अपनी प्रतिमा को पृथ्वी से बाहर निकालने का निर्देश दिया था। और उस स्थान पर तब उन्होंने खुदाई शुरू की। निश्चित रूप से इसमें वह मूर्ति प्राप्त हुई जिसे मंदिर में विधिवत प्रतिष्ठापित किया गया था। जिस स्थान से मूर्ति खोदी गई उसे श्याम कुंड कहा जाता है, और उस श्याम कुंड में नहाने से व्यक्ति के सारे रोग दूर हो जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और सड़क के पास में आपको झंडे भी मिल जाएंगे, जिन्हें आप आसानी से खरीद सकते हैं। सड़क के दोनों ओर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद मिल जाता है आपको। चूना, संगमरमर और टाइलों का उपयोग करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है, और इस मंदिर के गेट पर सोने की चादर चढ़ी हुई है। खाटू श्याम जी मंदिर के पास में गौरी शंकर का भी मंदिर स्थित है, और गौरी शंकर मंदिर से जुड़ी एक दिलचस्पी कहानी है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के कुछ सैनिक इस मंदिर को नष्ट करना चाहते थे। उन्होंने अपने भाले से इस मंदिर के भीतर स्थित शिवलिंग पर हमला किया, और तुरंत शिवलिंग से रक्त के फवारे प्रकट हुए। सिपाही डरकर भाग गए। शिवलिंग पर अभी भी भाले का निशान देखा जा सकता है। गाइस, बहुत ज्यादा भीड़ है, मेरे को करीब 1 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। खाटू श्याम जी मंदिर में प्रवेश करने के लिए 1 किलोमीटर की एक परिक्रमा लगानी पड़ती है। अभी हम मंदिर के परिसर में आ गए हैं, आपको श्याम जी के दर्शन भी करवाएंगे। यहाँ पर सभी की सभी लाइटें सफ़ेद और पीले रंग की हैं।